हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, केरला स्टेट का भी सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, कर्नाटका स्टेट का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है और राजस्थान स्टेट का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका तीनों जगह पेमेंट सीट पर अलॉटमेंट हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरला स्टेट की। तो दोस्तों, केरला स्टेट के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट बैंक गारंटी से डरे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इनकी वेबसाइट पर ये क्लियरली नोटिस लिखा हुआ है कि बैंक गारंटी आपको रिमेनिंग ईयर की देनी होगी, यानी 1 साल आप पेड करने के बाद में जो बाकी बचे हुए 3.5 साल की आपको बैंक गारंटी देनी है। तो ये सभी कॉलेजेस के लिए नहीं है, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो बैंक गारंटी नहीं ले रहे हैं। ये जुबली मिशन, आमला, इनसे मैंने 3-4 कॉलेजों से पर्सनली बात की है, तो ये लोग बैंक गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले एक बार कंफर्म कर लें आपका जिस कॉलेज में अलॉट हुआ है उसमें बैंक गारंटी है या नहीं। अगर उनमें बैंक गारंटी नहीं है तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि केरला की फीस बहुत ही कम है। अब बात करते हैं हम कर्नाटका स्टेट की। तो दोस्तों, कर्नाटका स्टेट के लिए एडमिशन के लिए अगर आपको सीट अलॉट हुई है पेमेंट सीट, तो आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जो कर्नाटका का एजुकेशन है वो बहुत ही बेटर है। तो आप कर्नाटका स्टेट में एडमिशन ले लें। अभी राजस्थान स्टेट का भी सेकंड राउंड का लिस्ट पब्लिश हो चुका है। तो राजस्थान में जिन स्टूडेंट्स को पेमेंट सीट मिली है वो पेमेंट सीट भी काफ़ी महंगी पेमेंट सीट है, यानी कि 8 लाख समथिंग पड़ रही है, और कर्नाटका व केरला की भी इसी फीस के मुताबिक पड़ रही है। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि जो नई कॉलेज हैं राजस्थान की उनमें पेमेंट देने से अच्छा है आप पुराने कॉलेज कर्नाटका व केरला में एडमिशन लें, ये मेरी सलाह है। तो दोस्तों, आप एडमिशन लेने से पहले सोच समझ के एडमिशन लें, क्योंकि ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको ये कन्फ्यूजन है कि तीनों जगह सीट अलॉट हो गई है, लें किसको अभी, क्योंकि तीनों ही पेमेंट सीट है, तीनों की फीस बराबर पड़ रही है, और कौन सी कॉलेज को हम ये प्रायोरिटी दें इसमें, या कौन सी कॉलेज में एडमिशन लें। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि आप पुरानी कॉलेजों में एडमिशन लें, जैसे कर्नाटका वगैरह की हैं, केरला वगैरह की जो पुरानी कॉलेजें हैं उनमें एडमिशन लें, ताकि एजुकेशन आपका अच्छा हो जाए। ये एजुकेशन आपको आगे काम आएगा, क्योंकि जब आप MBBS करोगे तो MBBS के लास्ट ईयर में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आप PG के लिए जो मेरिट बनेगी इसी एग्जिट एग्जाम से बनेगी। तो उसमें आपका, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो उसमें स्कोर भी आपका अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि आपने कहाँ एडमिशन लेना है, और राजस्थान स्टेट की जो सेकंड राउंड की लिस्ट पब्लिश हुई है उसका मैं सेपरेट वीडियो कट ऑफ का भी थोड़ी देर में वर्कआउट करके बना देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी को कितनी कट ऑफ दी गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।